श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं मैं माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य नो सर आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय नेम एंड माय हस्बैंड एंड हिज अचीवमेंट। मैं आपको एक बात बताता हूं, इट सिग्निफाइज आभा जो मिट नहीं सकती। टेक योर सीट, वन सेकंड। ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया, पहले नहीं था। हां वन सेकंड। माननीय सदस्यगण मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय सदस्यगण प्लीज, माननीय सदस्यगण, आई हैड द ओकेजन टू गो टू फ्रांस एंड आई वेंट टू अ होटल इन नॉर्मंडी एंड इट वॉज इन्फॉर्म टू मी बाई द मैनेजमेंट दैट एवरी ग्लोबल आइकॉन द फोटोग्राफी शोन देयर। आई वेंट थ्रू द स्टेयरकेस, फोटोग्राफ्स वर शोन एंड श्री अमिताभ बच्चन फोटोग्राफ वॉज देयर। I certified and that was in 2004 or so. So ma'am, the entire nation is proud. Now your supplementary number 4 to Sri Manohar Lal Khattar. Sir, इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दीजिए या उसके बाद? एक सेकंड बताऊं मैं आपको सर, ये बात है सर, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस but sir, मैंने... this is incorrect sir, it is incorrect because अभी before this subject के... सुनो सर, सर please yes ma'am। नीरज या तो आप बोल लो या मैं बोलूं। नीरज जी और एक नहीं सुनिए, एक मैं बता रहा हूँ, इस चीज का निर्णय मैं करता हूँ और मैंने आपको नाम से पुकारा ताकि आप अपने सप्लीमेंट्री चार्ट पूछ सकें। जी थैंक यू सर। एनीवे आई विल नॉट, और जहां तक आप किसका नाम साथ में जोड़े हैं, तो कई बार मैंने मेरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर सुदेश पति के नाम से दिया है, तो मैंने आपकी भावना का हमेशा आदर किया है। देख लीजिए, सुदेश मेरी वाइफ का नाम है। अच्छा, सॉरी सर, आई डिडंट नो। तो डॉक्टर सुदेश पति मैंने कई बार कहा है, ये रोचक तरीके से कह रहा हूं ताकि नीरज जी भी और आप दोनों के संबंध बहुत शानदार हैं, आप एक ही प्रांत से आते हैं और दोनों की लीनेज बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त लीनेज है। दोनों तरफ देखें तो नेशन इज प्राउड, नेशन इज प्राउड। हाँ जया जी प्लीज। सर सप्लीमेंट्री नंबर 4 सर, पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सोचती हूँ कि गुड़गांव जो है उसको स्मार्ट सिटी में डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी हाल ही में जो बारिश हुई वहाँ कमर तक पानी था, मैं वहाँ जाना चाहती थी किसी काम पे मगर नहीं जा सकी। तो अगर स्मार्ट सिटी की स्थिति ऐसी होगी, और गुड़गांव को छोड़ दीजिए, इस देश के कितने कैपिटल्स स्मार्ट सिटी में गिने जाएंगे आप बता दीजिए।